और बात दिल्ली की सियासत की, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल तो जेल से छूटने के बाद से ही चुनावी मोड में है। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्लान तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, तो साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चुनावी यात्रा भी करेगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस दिल्ली में 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी, अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी, अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी मोड में है और दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बनाने को बेताब है। पार्टी की पूरी पलटन बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे उछाल रही है। सीएम आतिशी समेत आपके तमाम नेता अपनी उपलब्धियां गिना रहे तो बीजेपी पर एलजी के लिए दिल्ली के विकास का काम रोकने का इल्जाम भी लगा रहे। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी, तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो जो खराब है उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी खराब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकार्पेटिंग का, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने एक हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। अब हर व्यक्ति परेशान, हमारी जो पहली सभा में जानकारी आई कि 67,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमारे मीडिया के लोग थे हमारे पास और जब हमने उनसे पूछा कि भाई 67,000 क्यों पेंडिंग है, तो बोलते सर वो वहाँ पे वो पीएम उदय योजना के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए डेडी एनओसी की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिर्फ बीजेपी से ही लड़ना है? क्या आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कदम ताल करने से परहेज कर रही है? क्योंकि हरियाणा विधानसभा में राहुल गांधी की तरफ से दिलचस्पी दिखाने के बावजूद केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया।